मरवा नगर पंचायत चुनाव को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि समाजसेवी सुनील मदरसिया की बहुआ चेयरमैन प्रत्याशी रिंकू देवी और वार्ड संख्या 11 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुभावती देवी का चुनाव प्रचार की गाड़ी आज शाम भैरव बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ किया गया। आपको बताता चले कि सुनील मदरसिया के परिवार के सभी सदस्य बाबा हरिराम के मंदिर पर पूजा करने पहुँचे हुए थे। हालांकि पूजा अर्चना करने के बाद चुनाव प्रचार गाड़ियों को शुभारंभ किया गया। तो फिर से आप सभी को बताते चले कि मरवा नगर पंचायत चुनाव को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि समाजसेवी सुनील मदरसिया की बहुआ चेयरमैन प्रत्याशी रिंकू देवी और वार्ड संख्या 11 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुभावती देवी का चुनाव प्रचार की गाड़ी आज शाम भैरव बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करने के बाद शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि सुनील मदरसिया के परिवार के सभी सदस्य बाबा हरिराम के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए थे। हालांकि बाबा हरिराम के दर्शन कर पूजा अर्चना करने के बाद चुनाव प्रचार गाड़ियों को शुभारंभ किया गया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि चुनाव प्रचार गाड़ी के शुभारंभ होने के बाद समाजसेवी सुनील मदरसिया और उनके समर्थकों ने क्या कुछ बताया है। यहाँ बहुत उत्साह आज हमको देखने को मिल रहा है। आज तक जनता जनार्दन जो भी लोग थे मैरवा नगर पंचायत के, इस पद के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं था, न कोई प्रत्याशी इतना जनता के बीच में रहते हैं। और 45 बरस से यहाँ नगर पंचायत का जो व्यवस्था चल रहा था, आज तो कोई इस 11 नंबर वार्ड में हरिराम बाबा के मंदिर के तरफ पोखरा और इस ढलाई के तरफ में कोई किसी को ध्यान नहीं जाता था। सुनील बाबू जब प्रथम बार चेयरमैन हुए तो ये बाबा के सारा ग्राउंड का ढलाई करवाए, पोखरा का निर्माण करवाए और छठ घाट का निर्माण करवाए और हर दुख सुख में रहते हैं और बहुत विकास का कार्य किए हैं, लगनसार हैं। उनसे हम लोग बहुत मिलजुल कर प्रेम भाव मिलता है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम वशिष्ठ बाबा, 11 नंबर वार्ड। कैसा, किस लिए आप लोग जीतना चाहेंगे? सुनील, बहुत काम किए। कौन सा विकास का काम किया? इन्हीं को जिताइए, करो। अपना नाम बताइए। ये बताइए, जो इलेक्शन की जो गाड़ी है, जो प्रचार की गाड़ी है, शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कहिएगा इस पर? कहना क्या है, बाबा का आशीर्वाद लेना था। बाबा हरिराम मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से प्रचार गाड़ी अभी निकाल रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो बता रहे थे कि सुनील मदरसिया अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले बाबा हरिराम का दर्शन करके कहीं जाते हैं। मेरा जो भी मेरा जन्म मेरा कर्म इन्हीं के हाथों होता है, जो भी होता है इन्हीं के हाथ होता है, बाबा हरिराम के हाथों होता है। जो भी मैं करता हूँ सबसे पहले इनसे आशीर्वाद लेता हूँ, सुबह इनका चेहरा देखकर ही मैं कोई नया काम शुरू करता हूँ अपना। बाबा हरिराम की धरती पर धरती से क्या संदेश देंगे मरवा की जनता को? बाबा हरिराम की धरती से पहले तो मैं बाबा हरिराम का सबको आशीर्वाद दूंगा कि बाबा हरिराम मेरे नगर पे एक से लेकर 13 पंचायत जनता को सबको आशीर्वाद दें कि वो बने फूले फुलाए और उनके घर बार सब बना रहे और मुझे भी बनाए, अपने आप को भी बनाए और चरपाई छाप को विजयी बनाए। एक से लेकर 13 वार्ड की जनता अपने आप को जीता है, रिंकू देवी को ना जीता है, सुनील को ना जीता है, बाबा हरिराम की नगरी को जीता है और अपने आप को जीते। कितने गाड़ी रवाना हुई है? मेरी चार गाड़ियाँ पास हुई है, 2 ई रिक्शा, 1 टेम्पू और 1 पैर रिक्शा। चार गाड़ियाँ आज मैं बाबा हरिराम का आशीर्वाद लेकर रवाना कर रहा हूँ। एक माता जी की पैर रिक्शा है जो ढोलक छाप का चुनाव चिन्ह मिला है माता जी को वार्ड पार्षद से 11 नंबर की, उनका भी गाड़ी आज रवाना हो रही है बाबा के आशीर्वाद लेकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा हरिराम इन दोनों चुनाव चिन्हों को, चरपाई और ढोलक, ये दोनों बाबा का निशानी है, ये दोनों बाबा आशीर्वाद दे चुके हैं इन पर, दोनों चुनाव चिन्ह विजयी होगा, बहुत 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 बहुमत से विजयी होगा ये दोनों चुनाव चिन्ह। मेरा नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करिएगा? मैं मैरवा नगर पंचायत की तमाम जनता जनार्दन और अपने भगवान बैठे इंसान से, अपनी भगवान बैठे माता पिता से अभी अनुरोध करूंगा कि वो चरपाई छाप को वोट दो, जो बहुत लकी नंबर मुझे मिला हुआ है, 10 नंबर, 10 तारीख, 10वां महीना, 10 10 है, जो होता है ना ताश में ट्रिपल, ट्रिपल लगने के बाद जीत जाते हैं आदमी, वही हाल हुआ है। बाबा ने आशीर्वाद दिया, माँ विंध्यवासिनी ने आशीर्वाद दिया है, चननिया माई थामे भवानी ने आशीर्वाद दिया है, ट्रिपल जीत गया है। वो हमने नामिनेशन किया उसी दिन विजयी का घंटी मुझे बज गया और आज भी मेरी जनता मेरी जनार्दन समर्थन देकर मुझे विजयी बना गई। क्या अपील करिएगा मेरा नगर पंचायत की जनता से? मैं सबसे पहले अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी और आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर पंचायत मैरवा को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। और मैं
प्रत्याशी का किस तरीके से समर्थन दे रहा है? हम अपने प्रत्याशी को पूरे जोरों शोर से समर्थन दे रहे हैं। मालवा के विकास को गति देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं। इसके लिए हम लोग सभी लोग अपने मन को एक तरफा उनको दे रहे हैं। क्या लग रहा है, किस मुद्दा को लेकर के आप लोग जिताएंगे रिंकू देवी को? केवल विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर। मालवा को धारा प्रवाह जो विकास उनका हुआ है अभी तक, इसी को देखते हुए मालवा के सभी जानता जनार्दन इनको फुल सपोर्ट में है और इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको विजयी बनाने का कार्य करेगी मालवा।